खबर हल्द्वानी से है, जहां पर पुलिस ने रिटायर्ड एसडीएम के घर चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार चोर रिटायर्ड एसडीएम के घर पर पहले पोताई का काम कर चुका है, ऐसे में उसको एसडीएम के घर के बारे में सारी जानकारियां थी। इससे पहले भी धर्मेंद्र पर 3 मामलों में मुकदमा चल रहा है। आरोपी से पूछताछ पर उसने पुलिस को बताया कि पहले उसने मकान का पिछला गेट का ताला तोड़ा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, और उसके बाद मेन गेट का ताला तोड़कर घर के अंदर रखे संदूक से ज्वेलरी और नकदी चोरी करके फरार हो गया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं एसडीएम साहब की मिसेज श्रीमती सुशीला रावत द्वारा जो है एक नकब देने की तहरीर दी गई, इसमें सर्विलांस और आपका सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई की थी। इसमें धर्मेंद्र कश्यप की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई, जिससे आपका उनके घर में नकबजनी की जो ज्वेलरी थी वो बरामद की गई है। इसमें धर्मेंद्र कश्यप ने पूछताछ में बताया है कि उसके विरुद्ध पहले भी 3 मुकदमे कायम हैं, जो 2 एनडीपीएस के हैं और 1 नकबजनी का मुकदमा है। ये इनके घर से 500 मीटर की दूरी पर रहता था। पहले इसके द्वारा उस घर में पेंटिंग का काम किया गया है, इसलिए उसको घर की पूरी नॉलेज थी। इसके द्वारा पहले पीछे गेट का ताला जो है वो तोड़ा गया सरिये के माध्यम से, लेकिन वो गेट नहीं खोल पाया, तो इसने फ्रंट का ताला।